आज हिसार जिले में कुल 940 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो टोटल एक्टिव केसेस की संख्या है वो बढ़कर 5,500 हो चुकी है। इन 5,500 केसेस में लगभग 380 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके सिम्टम मॉडरेट और सिवियर हैं और जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हिसार ज़िले में कुल हमने 1,000 के करीब आइसोलेशन बेड्स रिजर्व किए हुए हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, और यहाँ पर बेड्स की एज ऑफ नाउ कोई भी कमी नहीं है। जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो कोई भी व्यक्ति coronahariana.in पे जाकर देख सकता है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है उस पर भी ये डिटेल बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, और जो हमारा डेली मीडिया बुलेटिन है वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति टेस्ट कराना चाहते हैं वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में CHC पे और PHC पे जाके अपना टेस्ट करा सकता है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जो मेजर लैब्स हैं हिसार में उन सभी में भी ये टेस्ट किया जा रहा है। कुछ एक लैब घरों से भी सैंपल कलेक्ट करने का कार्य कर रही हैं। चार हमने नई साइट फिक्स साइट जो फवारा चौक है, बस स्टैंड है और डाबरा चौक है, जंगल चौक है, यहाँ पर बनाई हुई है। हिसार सिटी के लोग यहाँ पर भी आकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको सिम्टम आए तुरंत अपना टेस्ट कराएं ताकि आप आगे जो मेडिकल हेल्प आपको चाहिए उसको आप ले सकें। इसके साथ ही आजकल एक रेमडेसिविर जो दवाई है उसके लिए लोगों में बहुत पैनिक है। मैं कहना चाहूँगी हिसार ज़िले में रेमडेसिविर दवाई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जो कंसर्न हॉस्पिटल है उन्हें डायरेक्ट डिलीवरी की जा रही है। वहाँ के डॉक्टर्स जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनको वो मेडिसिन्स दे रहे हैं, और इसके अलावा जिला प्रशासन की पूरी नज़र है कि कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है और किस किस हॉस्पिटल को कितनी रिलीज़ की गई है। जिस हिसाब से हॉस्पिटल में भर्ती हैं मरीज़ उसी के अनुपात में उन्हें रेमडेसिविर की दवाई दी जा रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो एम्स और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो स्टडीज़ है उसमें भी ये आया है कि रेमडेसिविर का बहुत लिमिटेड यूज़ है। हर एक पेशेंट में इसकी आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम 7 से 10% ऐसे मरीज़ हैं जिनमें रेमडेसिविर लगाने की आवश्यकता होती है, तो इस बारे में बिल्कुल भी पैनिक ना करें। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ज़िले में प्रोडक्शन भी हो रहे हैं और जो कंजप्शन है वो लगभग बराबर है, और अभी ऑक्सीजन की भी सप्लाई की कोई मारामारी वाली बात हिसार ज़िले में नहीं है। आज से हमने यहाँ पर सेक्शन 144 भी लगा दी है और जितनी भी फंक्शंस है और जैसे अंतिम संस्कार है उसमें 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, और इसके साथ ही हॉल के अंदर भी जो लोगों की अटेंडेंस है वो बहुत लिमिट कर दी गई है। जो भी पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आप सबसे पहले शांत रहिए, पेशेंस के साथ और रिलैक्स माइंड के साथ इस बीमारी को फेस करें, और प्रशासन की ओर से जो आपने नंबर जिस पे आपने अपना टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है वो नंबर यदि आपने दिया है सही तो प्रशासन की ओर से आपको होम आइसोलेशन किट आपके घरों में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि मेडिसिन्स भी होंगी और एक बुलेट भी होगी जो आगे आपका मार्गदर्शन करेगी किस प्रकार से आपने अपनी केयर करनी है। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ओबीज लोग हैं, मोटापा है जिन्हें कोई भी हार्ट की बीमारी रही है पहले या कोई लंबी बीमारी रही है किडनी की, लंग की, ऐसे लोगों को और इम्यूनोसप्रेस लोगों को इस बीमारी से खास सावधानी रखनी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द अपना एक बार चेकअप किसी भी डॉक्टर से जाके, जो हमारे कोविड नोटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं, हमारे ज़िले में 30 कोविड नोटिफाइड हॉस्पिटल है, उसमें वो जाके अपनी जांच करा सकते हैं। इस बीमारी का एक ही तौर है, वो है वैक्सीनेशन। एज ऑफ नाउ हमारे ज़िले में लगभग 1.5 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया है और इसका कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। आगे 1 मई से 18+ के जो भी उम्र के लोग हैं सबके लिए वैक्सीनेशन खुलने वाले हैं। अगले 5-7 दिन मैं कहूँगी गोल्डन पीरियड है, जो 45+ लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसी भी CHC पे जाएं, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने साइट्स बनाई हुई हैं, वहाँ पे जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं और 6 से 8 हफ्ते के अंतराल पर दूसरी डोज भी लें। इसके साथ ही मैं सभी डॉक्टर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि अभी तक हिसार के सभी डॉक्टर्स ने IIM ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है और पेशेंट्स का बहुत ही अच्छा इलाज भी किया है। आगे भी जो एथिकल प्रैक्टिस है, चाहे वो दवाई देने की है, ऑक्सीजन देने की है,
और एथिकल प्रैक्टिसेस ही करें, ना किसी पेशेंट से ज़्यादा चार्ज करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं वो भी किसी कारणवश यदि किसी की फैटलिटी भी हो जाती है तो उसे संयम के साथ, पेशेंट के साथ उसे एक्सेप्ट करें, और डॉक्टर्स को भी इस समय में हौसला अफजाई करें, ना कि उन पर किसी भी प्रकार का मारपीट या जो इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं, तो इससे हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी घटनाओं को अवॉइड करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द हिसार ज़िला जो है इस जो कोरोना का पीक है इसे उभर पाएगा, और आप सबके लोगों के सहयोग की मैं अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद।